ऐसी सब औरतें जो एक उम्र में आके सोचती हैं कि उनका सेक्सुअलिटी से कोई ताल्लुक नहीं छोड़ो अब हो गया डिजायर्स इच्छाएं जब वो एक गुड लुकिंग एक्टर को पर्दे पे या टीवी पे कहीं देखती हैं तो क्या उनके मन में कुछ नहीं होता मोस्टली पार्डन में सबकी बात नहीं करी शायद अपने हस्बैंड्स के साथ कोई फीलिंग नहीं होती आई एम श्योर वो फैंटसी लैंड में जाके किसी और आदमी के साथ जाती होंगी। really so <laughs> <you so> <laughs> जातीम किया वो भी एक चर्चा का विषय था और आपकी जर्नी पर से बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है पर्सनल प्रोफेशनल कुछ भी हो ऊंचाई फिल्म जो है वहां उसमें भी एक जर्नी है तो एज एन एक्ट्रेस आप अपने कैरेक्टर के बारे में अगर मैं कहूँ कि आप कुछ कहिए यू यू नो इंट्रोड्यूस मी योर कैरेक्टर माय नेम इज़ शबीना सिद्दीकी माय हस्बैंड प्लेड बाय बमन ईरानी जावेद सिद्दीकी आई प्ले अ हाउस वाइफ आई हैव अ डॉटर हु इज ऑलरेडी मैरिड शी लिव्स आउट ऑफ दिल्ली आई एम दैट काइंड ऑफ अ कांडसवाइफ विच ऑल इन इंडिया आई थिंक नाइनटी नाइन वेमेन आर दैट काइंड ऑफ इफ रिवॉल्व अराउंड द हजबैंड लड़की तो शादी हो गई चलेगी अभी हसबैंड हसबैंड ने दवाई खाई कि नहीं हस्बैंड को सुबह खाने में ये देना है वो ज़्यादा ना खा ले वो वो रात को कहीं गया है तो दोस्तों के साथ दारू नहीं पी ले ज़्यादा सो हर होल थिंग इज हिम हर लाइफ इज हिम ही नोज दैट ऑल्सो सो दिस इज माई कैरेक्टर ओके वेरी इंटरेस्टिंग लेकिन ये जर्नी के बाद जब तक कहानी खत्म होती है क्या वो कैरेक्टर में बदलाव आता है सॉलिड ओह दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग सो व्हाट सूरज जी हैज़ डन इन ऊंचाई एवरी कैरेक्टर चाहे वो छोटा सा छोटा क्या है उसका भी पूरा राउंड अप किया है राउंड अप क्लाइमेनेशन किया है एंड बिकॉज़ ऑफ दैट एवरीबॉडी विल आइडेंटिफाई विद दिस फिल्म्स कैरेक्टर्स बिकॉज़ दे आर रियल कैरेक्टर्स और um, I would ask friendship. आप जिस तरह से जिस तरह के circumstances से गुजरे हैं अपने लाइफ में मुझे लगता है friends बहुत बड़ा support system होते हैं and, and you had said in the press conference कि सोनी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड इन द इंडस्ट्री रोज दिन में एक बार तो बात हो ही जाती है तो अपनी दोस्ती के कुछ uh, किस्से सुनाइए मे बी कोई ऐसी बात जहाँ पर शायद फ्रेंड्स नहीं होते तो वो सिचुएशन संभलती नहीं मैं एक बात जरूर बताऊंगी बड़ी फनी बात है दिस इज हाउ फ्रेंड्स आर सो मैं और सोनी हम लोग बीच पे वॉक पे जाते हैं जब हम दोनों फ्री हों या कभी वो अकेली कभी मैं अकेली सो so, मेरा कुछ प्रॉब्लम चल रहा था मेरे जो अभी हस्बैंड है उनके साथ कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रहा था तो so, मैं रोज वॉक पे उनको मिलती थी और रोज अपना दुखड़ा सेम <laughs> दुखड़ा ंग दिस इज डैट जो हम सब औरतें करती सेम एकदम सेम तो खड़ा आई डों डा 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 सुनती थी मुझे सलाह देती थी डू दिसट do 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 अभी चलता ही गया मतलब हर रोज वो भी पागल हो गई मैं कितना सुनू इसका रोना तो एक दिन मैंने एक दिन मैंने फिर शुरू किया मैंने कहा यू नो सोनिक नो आई डोंट वॉन्ट टू हियर एनी मोर यू सॉल्व योर प्रॉब्लम यूर सेल्फ

पंचायत बट आई वॉजिंग चाहे मेरे हजब फुल टाइम मेरे पास नहीं रहते वो अलग रहते हैं अगर जब पहले वो ऑफिस जाते थे उनका खाना पैक करना घर से खाना देना ये उनके कपड़े निकाल के प्रेस करा के रखनी एंड मसाबा इज माई माईन लाइक दिस व शबीना सिद्धिकी हर डॉटर इज शी डॉटर ऑल दो सो शबीना इज वेरी मच एक्चुअली नाउट आई थिंक इट्स मी दिफ्रेंस इज नॉट वर्किंग बट मेरा भी ऐसे होता है अगर मेरा जब मैं हसबेंड के साथ होती हूँ तो मेरा पूरा वो ही होता है सो so, जब मैंने काम छोड़ा बीच में मैंने कहा मेरी शादी हुई जब मैंने काम छोड़ा मैंने कहा पैसे की टेंशन नहीं है हस्बैंड बच्चा कमाता है मैंने मजा ही नहीं किया लाइफ में कहीं घूमी फिरी नहीं क्योंकि कमाना पड़ता था सारा करने के लिए सुबह निकलती थी रात को आती थी फिर सुबह निकलती थी टीवी में ऐसे ही काम करना पड़ता था मैंने कहा मैं इंजॉय करूंगी लाइफ एज अ हाउस ब्यूटी पार्लर जाऊंगी जाऊंगी <laughs> पार्टी करूंगी बर्थडे जाऊंगी

So the media had a blast, okay? Yeah, that's that's the media had a blast. Yeah. and then they wrote anything about me, and then there was this image created. Yeah, and I did not help uh, much in in negating that. <laughs> I gave uh, you know or masala, or masala, uh, de ha, or masala, <laughs> or masala de de. Fuel to the fire. Ha, fuel to the fire. I do everything myself at home. Of course, okay. I can cook. I can knit. अरे नीना गुप्ता सो बोल्ड सो बिंदास जो मैंने आपके इंट्रोडक्शन में भी, भी कहा आ, मैं सुन रही थी। uh, but, uh, see, लोगों को आप बेहद पसंद है क्योंकि वो लोग ना ही बेबाक हो सकते हैं वो ऐसे होना चाहते हैं हाँ।

मेरे जैसे ड्रेस कर सके आप बॉयफ्रेंड हो दे टोल्ड मदर एंड आई गो माई ब्रदर वॉज सेंड टू द कॉलेज एंड आई वॉज कॉल्ड होम पे बुला लिया गया बैठो फोन तो होते नहीं थे मोबाइल का तो ही वेटिंग एंड आई सिटिंग क्यों ये नहीं कि उनको बुरा लग रहा था कि मेरा बॉयफ्रेंड है They were jealous of me. They wanted all to do all the same things which I was doing. Yeah. but they didn't have the guts to go against their the family, against the coffee Whatever, huh? Huh, <inaudible> orthodox families, maybe orthodox families, you know? But I fought a little bit, you know. ऐसे लोग जो आपकी तरह होना चाहते हैं उनको ऐसा लगता है कि अच्छा खुल के बोल देना बहुत आसान है या ऐसे रहना बहुत आसान है क्या फर्क पड़ता है देन दे आल्सो से कि अच्छा आप तो सेलिब्रिटी हैं आपके लिए तो हाँ, क्या है ना मैं तो, तो चांदी तो चांदी के पलंग पे सोती सोच हाँ, सो so एक और सोने के लड्डू खाती उसके पीछे उसके पीछे जो मुश्किलें हैं जो लोग चाहते हैं यू नो कि हम भी किसी दिन ऐसा करेंगे उन लोगों को आप क्या एडवाइस

डू इट इफ यू हैव द कन्विक्शन एंड इफ यू आर विलिंग टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज इट इज वेरी वेरी टफ इट इज वेरी सैड लोनली टोंट डू इट माई एडवाइस याद साफ क्या बोलते हैं <laughs> इससे ज्यादा साफ क्या ही कहेंगे आप सही बात है और फ्रेंडशिप uh, के मायनों की हम बात करते हैं क्योंकि ऊंचाई अबाउट फ्रेंडशिप एंड हाउ डू यू डिफाइन फ्रेंडशिप आई डों बट एक बार मेरी uh, भारती जाफरी जी जो उन्होंने सांस में मेरी मदर का रोल किया उनकी एक फ्रेंड थी उसने कुछ सांस के बारे में बुरा कहा तब जब जहाँ सांस चल रहा था कुछ कुछ कुआ तो शी टोल मी तो मैंने उनको बोल दी थी कैसी है वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ हर्स कहा आपकी कैसी फ्रेंड है इतनी क्लोज फ्रेंड सालों वाली फ्रेंड दैट शी टॉक्स रबिश लाइक दिस तो शी सेट ओनली बट शी इज़ माई फ्रेंड So, उसकी कमियाँ भी तो मुझे एक्सेप्ट करनी होंगी। एक्सेप्टेंस, ना सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और फ्रेंडशिप निभाना बहुत मुश्किल काम होता है उसके लिए समय देना पड़ता है उसके लिए एनर्जी देनी पड़ती है और ऊंचाई uh, के शूटिंग की अगर बात करें आप के जो को एक्टर्स हैं यू यू नो नो बॉन्ड बहुत अलग तरीके से निखरता है mm. ऐसी कोई कहानिया शूट के वक्त कैन शेयर ऐसी कोई खास घटना तो मेरे uh, जहन में नहीं आ रही, जी। 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 नहीं आ रही। लेकिन क्या है कि जैसे एक बार एक सीन था मैं कर रही थी तो अनुपम वो सिटिंग दे आर ओनली वॉचिंग छोटा सा शॉप था ही केम एंड ही सेट समथिंग इन माई इयर्स डैट यू हैव टू डू दिस आई वॉज नॉट डूइंग दैट वन जेस्टर विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट ओ आई सर थैंक यू थैंक यू एंड आई डि दैट कई बार यू डोंट हैव दट्स टू टेल एनीबडी और द अदर पर्सन विल नॉट टेक इट सो दिस इज एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग

Let's talk of women, aging women. aging Somebody had made a comment ke, sexuality and aging women they don't go hand in hand. But what would you say? Uh, you know, ऐसे लोगों से जो ये चीजें दिमाग में भर के रखते हैं कि नहीं नहीं अब ये उम्र है तो ये बात नहीं कर सकते या सेक्सुअल बातें नहीं कर सकते या बॉडी को लेकर एक एक यू नो इधर दे बिकम केयरलेस और दे कैन लव दम और दे दे आर जस्ट कॉम्प्लिसेंट हो जाते कि हाँ बस सब यही है जो है वो ऐसी औरतों के लिए या ऐसी ऐसी इसका आंसर बहुत डेंजरस लाइन में देने वाली है प्लीज दीजिए आप डेंजरस जवाब नहीं देंगी तो कौन देगा ऐसी सब औरतें जो एक उम्र में आके सोचती हैं कि उनका सेक्सुअलिटी से कोई ताल्लुक नहीं छोड़ो अब हो गया ध्यान रखते हैं इच्छाएं जब वो एक गुड लुकिंग एक्टर को पर्दे पे या टीवी पे कहीं देखती हैं तो क्या उनके मन में कुछ नहीं होता ये मेरा सवाल है और जो मेरा जवाब जो डेंजरस वो ये है कि वो इसलिए भी ऐसा सोचती है क्योंकि उनको मोस्टली पार्डन में सबकी बात नहीं करी शायद अपने हसबेंड्स के साथ कोई फीलिंग नहीं होती आई एम श्योर वो फैंटसी लैंड में जाके किसी और आदमी के साथ जाती होंगी क्योंकि उनको अपने हस्बैंड के साथ वो फीलिंग ही, ही connect no yeah. here, here. Yeah. So नहीं होती जब हजब देखता ही नहीं आपकी तरफ जब अफेक्ट दैट टच इज नॉट देर वैन यू बिकम लाइक दैट जरस very, very uh, कहा कुछ आपने बहुत जैसी आप कहती है आप सच ही तो कहती है हमेशा कोशिश करती हूँ न <laughs> इसीलिए आप हमें बेहद पसंद है uh, क्योंकि सच का सामना सबको करना तो चाहिए आफ्टर ऑल फिल्म की बात फिर से करते हैं फ्रेंडशिप पे फिल्म है मुझे ये पूछना है कि आपने जैसी फिल्में की पहले जिन्हें हम आज की जनरेशन पैरल सिनेमा कहती हैं या ऐसा आज भी स्पाइस ऑफ लाइफ फिल्में बनती हैं अलग वाली फिल्में बनती हैं लेकिन तो शायद ज्यादा शार्पली बोल्डली चीजें कही जाती है ऐसा आपको लगता है फिल्म लाइक मंडी एंड यू नो हाँ पर फिर वो फिल्में कमर्शियल हिट नहीं होती थी ना अब नाम कुछ भी दे दो मैं तो यही बोलूंगी कमर्शियल ही हिट और नॉन uh, कमर्शियली नॉट हिट कितने लोगों ने मंडी सुषमान देखी होगी आपने देखी पर नहीं देखी मुझे तो मुझे नहीं पहचानते लोग आज मैं पिछले महीने शूट कर रही थी ऐसे एरियाज़ में या छोटे छोटे घर हैं लोअर मिडिल क्लास एरिया में बाहर मुझे किसी ने नहीं पहचाना टेल मी आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ बिकॉज दे डोंट सी ओ टी टी हैव द मनी टू दे सी टी वी हम सोचते हैं इंडिया क्या है पर इंडिया वो नहीं है हम सोचते हैं आप और हम इंडिया है हम नहीं है बहुत जगह पे पहुंचना बाकी है हमें अभी बहुत सारी ऊंचाइया सर कर ऐसी <laughs> कौन सी फिल्म है जो के आपको यू you नो know, आपके फ्रेंड्स के साथ बैठ कर देखना आपको मतलब यू नो इट्स इट्स अ फन थिंग फॉर यू जाने भी तो यारैट्स आपने तो अवरोधों के साथ बहुत सारी ऊंचाइयां पार कर ली हैं ऊंचाईया वार करने के लिए ये ट्रेलर में एक जो लाइन uh, है परिणति की चलते जाइए यू you नो know? रुकना नहीं आ, है। आ, हा, हा, तो एज अ वुमन आई कैन जस्ट गेस द काइंड ऑफ थिंग्स यू वुड हैव गॉन थ्रू सो व्हाट वुड यू से व्हाट आर योर रूल्स ऑफ अचीविंग ऊंचाई आई विल टेल यू आई ऑलवेज से दिस इज माय मंत्रा आई ऑलवेज थैंक गॉड फॉर व्हाटएवर ही हैज गिवन मी एंड मेक द मोस्ट ऑफ

Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.